गंभीर मध्य विषय है प्रदेश वो। के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अवैध एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले संवेदनशील कार्यों में खान लिप्त लोगों की जो था बारीकी से जांच करने के निर्देश दिए। एक मुवीन खान भी है, अलग अलग नाम से रहता था, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप विजय दत्त के माध्यम से नाम से इंदौर में रह रहा था, बांग्लादेशी था, इंदौर नाम परिवर्तित करके रह रहा सेक्स था, रैकेट में देश सेक्स रैकेट चला रहा था, व्यापार और फर्जी दस्तावेज बनाने और सेक्स रैकेट में भी सैकड़ों बच्चियां बेटियां हमारी बांग्लादेश से लाकर उसने इस धंधे में। इस मामले में मैंने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिनके गंभीर विषय है वो, एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के अंदर मुवीन खान जो था, एक मुवीन खान भी है, अलग अलग नाम से रहता था, विजय दत्त नाम से इंदौर में रह रहा था, बांग्लादेशी था, नाम परिवर्तित करके रह रहा था, सेक्स रैकेट चला रहा था और सेक्स रैकेट में भी सैकड़ों बच्चियां बेटियां हमारी बांग्लादेश से लाकर उसने इस धंधे में उतारी। अब जो जिनके कान बजते थे और पाकिस्तान जिंदाबाद को काजी साहब जिंदाबाद कहते थे, जो चूड़ी वाले पर विलाप कर रहे थे, उन्हें इस पर एक भी नहीं बोला, किसी ने भी ट्वीट नहीं किया कि एक व्यक्ति भेष बदल कर, एक व्यक्ति धर्म बदल कर कैसे यहां पर सेक्स रैकेट चला रहा है। और ये जो फर्जी पासपोर्ट इसने बनवाया, इसने जो फर्जी अपना आधार कार्ड बनवाया, ये कैसे बना और कहां बना, हम इस दिशा में अभी बढ़ेंगे कि बन कैसे जाता है और कौन सा गैंग है जो इस तरह के फर्जी या नकली बनाकर दे रहा है, हमें उसका भी देखना है। और पूरे प्रदेश के अंदर ये जो इस तरह के घुसपैठ ही आ गए, हर प्रदेश में हम पूरे प्रदेश के अंदर थानों को अलर्ट करेंगे कि ऐसे घुसपैठियों की सर्च करें। और हम ममता बनर्जी से भी कहेंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाएं बेटियां आ रही हैं आपके रास्ते से, पश्चिम बंगाल के रास्ते से, आप निगाह रखो, बेटियों को देह व्यापार में उतार रहे हैं लोग, रास्ता वही चुना है जैसी जानकारी आई है, और इसलिए ममता बनर्जी जी ध्यान दो।